तो इतने दिनों बाद ब्लॉग अपलोड करने का मेरा यही मकसद है कि आज मेरे घर में पूजा हो रही थी जिसकी वजह से मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा वेला बैठा था कुछ दिनों से, ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एग्जाम्स वगैरह बहुत कुछ चल रही थी जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। आज की वाइब और वेदर दोनों ही अलग रखे थे, क्योंकि घर में थी पूजा और बाहर वेदर बहुत सही था। और अब तुम सोच ही सकते हो मेरे जैसा वैसे दरिंदा क्या करेगा, कोक की गिलास उठाई, हाँ भाई कोक उठाया और तुम्हें सत्या आ गया। फिर नीचे देखा तो राधा कृष्ण का एक बहुत अच्छा फोटो फ्रेम बना हुआ मेरे घर पे पड़ा हुआ था, मतलब आज ही दुकान से आया। फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गया और बाहर का वेदर इतना अच्छा था, मैं बाहर में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते लगभग शाम हो गई थी। एंड फिर उसके बाद मेरे को कुछ काम था, तो मैं जैसे ही अपने रूम में गया चेक करने के लिए कि काम करने, और पता चला मेरे माउस को माउस ने काट लिया है। फिर जब मेरे पास माउस पड़ा था उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना देख के मेरे को लगा ये भी मेरे को धोखा नहीं दे दे, क्योंकि चाइना वालों ने एक ही बार 2020 में कोरोना वायरस भेज के दिया। एक सेकंड, क्या मेरे लैपटॉप में वायरस आ जाएगा?